जी मैं अपना पूरा। मैं कुमुद लता त्रिपाठी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव हूँ। मैम किस तरह का आज लोक अदालत का आयोजन है और मूल उद्देश्य क्या होता है लोक अदालत का? जी आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में आज लोक अदालत आयोजित की गई है। लोक अदालत जो होती है उसमें व्यक्तियों के पास ये अवसर होता है कि बहुत कम समय में बहुत कम खर्चे में अपने मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत की तिथि पे करा सकते हैं और इसके मतलब इसमें निस्तारण कराने से उनको अनावश्यक भागदौड़ से भी उनकी बचत हो जाएगी, उनके समय की बचत हो जाएगी, उनके पैसे की बचत हो जाएगी और इसके साथ ही साथ इसमें जो भी डिग्री आदेश पारित होते हैं उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। तो ये बेसिकली फायदे हैं लोक अदालत से। मैम बात की जाए किस तरह के मामले जो आज यहाँ लगे हुए हैं लोक अदालत में, कौन कौन से मामले हैं जिनका निस्तारण होना है या हो रहा है? जी यहाँ पे आज लोक अदालत के लिए दीवानीवाद, आपराधिक समनीवाद, छोटे मामले जिनमें केवल अर्थदंड से जो है दंड का दंडादेश होता है वो मामले, इसके अलावा पारिवारिक मैटर्स और मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण के दावे, बैंक के प्री लिटिगेशन केस, इसके अलावा राजस्व मामले, श्रम संबंधी मामले, बिजली के मामले, BSNL के मामले, ई चालान्स, ये सारे मामले जो हैं आज की तिथि पे डिसाइड किए जाएंगे जिसमें भी पक्षकार आके अपना सुलहनामा फाइल करता है। कोई सिविल सूट है उसमें सुलहनामा फाइल करता है, ई चालान कटा है, MV एक्ट का चालान है तो जुर्माना अदा कर देता है, वो सारे मामले जो हैं आज लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।